आज हम कर रहे हैं अनोवा। अनोवा के अंदर अनोवा वन वे क्लासिफिकेशन आती है या अनोवे टू वे क्लासिफिकेशन आती है, इन दोनों को हम आराम आराम से करेंगे। अनोवा का मतलब होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। पहला प्रश्न मैंने आपके लिए बनाया है वन वे क्लासिफिकेशन के ऊपर। तीन अलग अलग मशीन्स हैं विच आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर आउटपुट्स। टेस्ट वेदर मशीन्स आर इक्वली इफेक्टिव और नॉट। आउटपुट ऑफ मशीन्स आपको दे रखी हैं तीन, फर्स्ट मशीन की, सेकंड मशीन की, थर्ड मशीन की। फर्स्ट मशीन की 10, 5, 11 और 10 दे रखी है। सेकंड मशीन की 9, 7, 5 और 6 दे रखी है। थर्ड मशीन की 20, 16, 10 और 14 दे रखी है। तो इसका पहला स्टेप क्या है, हमें सबसे पहले इनके सिंपल मीन्स निकालने, मतलब x1 वाली वैल्यूज़ को ऐड करके n से डिवाइड करेंगे तो x1 का मीन आ जाएगा, x2 वाली वैल्यू को ऐड करके n से डिवाइड करेंगे तो x2 का मीन आ जाएगा, x3 वाली वैल्यू को ऐड करके हमने n से डिवाइड करना है तो हमारे पास x3 का मीन आ जाएगा। x1 का मीन 9 आया, x2 का मीन 6.75 आया और x3 का मीन हमारे पास 15 आया। अब हमें सेकंड स्टेप के अंदर इनका कंबाइंड मीन निकालना है। कंबाइंड मीन का मतलब क्या हुआ, x1 बार प्लस x2 बार प्लस x3 बार बाय में 3। इसका मतलब ये हुआ कि 9 प्लस 6.75 प्लस 15 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें क्या करना है, हमें SSC निकालना है। SSC का मतलब होता है सम ऑफ स्क्वेयर बिटवीन द सैंपल्स। इसका फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ NI XI माइनस के X बार का होल स्क्वायर होता है। NI का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। अब हर एक ग्रुप में कितने टर्म्स थी, चार चार टर्म थी ना, तो 4 इंटू में 9 माइनस के 10.5। 9 हमारा क्या था, फर्स्ट मीन था। 9.25 हमारा क्या है, कम्बाइंड मीन है, ठीक है। 4 इंटू में 6.75 माइनस 10.25 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू में 15 माइनस के 10.25 का होल स्क्वायर, इनको ऐड करेंगे 145.5 आ गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम निकालते हैं V1। V1 जो होता है नंबर ऑफ ग्रुप्स माइनस 1 होता है, के यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं। नंबर ऑफ ग्रुप 3 है, 3 में से एक क्या, 2 हो जाएगा। फिर हम क्या निकालते हैं, MSC निकालते हैं। MSC की जो वैल्यू होती है वो SSC डिवाइड बाई V1 होती है। SSC 145.5 आया था, 145.5 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 72.75 आएगा। अब हमें क्या निकालना है, SSE निकालना है। SSE का मतलब होता है सम ऑफ द स्क्वेयर विद इन द सैंपल्स। इसके लिए जो आपने X1 बार निकाला था, X1 वाली सभी टर्म में से उसको माइनस करना है। जैसे 10 में से 9 गया 1, 1 का स्क्वेयर कितना होता है, 1 होता है। 5 में से 9 गया 4, माइनस 4, माइनस 4 का स्क्वेयर कितना होता है, 16 होता है। 11 में से 9 गया 2, 2 का स्क्वेयर कितना होता है, 4 होता है। 10 में से 9 गया 1, 1 का स्क्वेयर कितना होता है, 1 होता है। ऐसे ही आप क्या करोगे, x2 के साथ लोगे, x2 माइनस के x2 बार का होल स्केयर, और ऐसे ही x3 माइनस के x3 बार का होल स्केयर करेंगे। इनका जो होल स्केयर होता है उनको ऐड करने के बाद जो वैल्यूज आती हैं उनका सम जो होता है उसे बोलते हैं सम ऑफ द स्क्वेयर विद इन द सैंपल्स। मतलब 22 प्लस 8.75 प्लस 52 इज इक्वल टू 82.75। इसके लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम V2 निकालते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम V2 जो होता है वो हमारा n माइनस के k होता है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखो चार एलिमेंट्स के 3 ग्रुप है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 12। इसमें से नंबर ऑफ ग्रुप्स को माइनस कर दो, 12 में से हमारे पास क्या जाएगा, 3 जाएगा, तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। तो 9 हमारा क्या बन जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम V2 बन जाएगा। अब हमें कैलकुलेट करना है MSE। MSE जो होता है वो होता है SSE डिवाइड बाय V2। SSE का मतलब क्या था, 82.75। V2 हमने कितना निकाला है, 9 निकाला है, तो अब इसको डिवाइड कर देंगे तो 9.194 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा लास्ट स्टेप है, उसमें अनोवा टेबल बनानी है। अनोवा टेबल में आपने पहले लिखना है सोर्सेज ऑफ वेरिएशन, या एक तो बिटवीन सैंपल होगा और एक क्या होगा, विद इन सैंपल होगा। दूसरा आपने लिखना है सम ऑफ द स्क्वेयर्स। पहले वाला SSE जो आया था 145.5 आया था, और SSE क्या आया था हमारे पास, 82.75 आया था। डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले वाली क्या आई थी, 2 आई थी। डिग्री ऑफ फ्रीडम बाद वाली क्या आई थी, 9 आई थी। अब इनका मीन निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करने के बाद जो वैल्यूज आई थी उनका जो रेशियो होता है उसे क्या बोलते हैं, वेरियंस रेशियो बोलते हैं, या फिर अनोवा बोलते हैं, एफ टेस्ट बोलते हैं। अनोवा आ जाए, एफ टेस्ट आ जाए, वेरिएशन रेशियो आ जाए, बात एक ही होती है, ठीक है। अनोवा टू वे के अगर क्वेश्चन को सोल्व करना हो तो कैसे करेंगे,
देखो सिर्फ स्टेप्स अलग अलग हैं अनोवा वन वे और अनोवा टू वे के अंदर। अनोवा टू वे में जब क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, सबसे पहले हमें टी निकालना होता है और एन निकालना होता है। टी हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन होता है, और एन हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एक्स वन दे रखा है, एक्स टू दे रखा था, एक्स थ्री दे रखा था, एक्स वन का स्क्वेयर कर दो, एक्स टू का स्क्वेयर कर दो, एक्स थ्री का स्क्वेयर कर दो। एक्स वन क्या है 10, 10 का स्क्वेयर कितना होता है 100, 12, 12 का स्क्वेयर कितना होता है 144, 9, 9 का स्क्वेयर कितना होता है 81, 16, 16 का स्क्वेयर कितना होता है 256, 13, 13 का स्क्वेयर कितना होता है 169। फिर एक्स टू क्या दे रखा है आपको 9, 7, 12, 11 और 11 दे रखा है। 9 का स्क्वेयर कितना होता है 81, 7 का स्क्वेयर कितना होता है 49 होता है। फिर 12 का स्क्वेयर कितना होता है 144, 11 का स्क्वेयर कितना होता है 121, तो 121 पुट कर देंगे। फिर एक्स थ्री की निकालेंगे, एक्स थ्री का स्क्वेयर करेंगे, एक्स थ्री क्या दे रखा है आपको 14 का स्क्वेयर 196, 11 का स्क्वेयर 121, 15 का स्क्वेयर 225, 14 का स्क्वेयर 196, 16 का स्क्वेयर कितना होगा 256 होगा। अब हमने x1 का समीशन किया 60 आया, x1 के स्क्वेयर का समीशन किया 750 आया, x2 का समीशन किया 50 आया, x2 का स्क्वेयर का समीशन किया 516 आया, x3 का समीशन करेंगे 70 आएगा, x3 के स्क्वेयर का समीशन करेंगे तो क्या आएगा 994 आएगा। अब t जो होता है, t हमारा क्या होता है, समीशन किसका, x1 का, x2 का, x3 का, इनको ऐड कर दें 60 प्लस 50 प्लस 70 कितना हो गया 180 हो गया। अब n निकालेंगे, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है, तीन ग्रुप थे पाँच पाँच के, तो पाँच थे कितनी होगी 15 होगी। फिर हमें क्या निकालना है, करेक्शन फैक्टर निकालना है, करेक्शन फैक्टर हमारा टी स्क्वेयर बाय एन होता है। टी स्क्वेयर बाय एन का मतलब क्या हुआ, 180 का होल स्क्वेयर डिवाइड बाय एन, 15 कर देंगे तो हमारे पास 2160 आ गया। टोटल सम ऑफ स्क्वेयर जिसे SST कहा जाता है, इसका मतलब होता है सिग्मा x1 का स्क्वेयर प्लस सिग्मा x2 का स्क्वेयर प्लस सिग्मा x3 का स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर बाय एन हो जाएगा। दैट इज 750 प्लस 516 प्लस 994 माइनस के 2160 हो जाएगा। कितना आया हमारे पास 100 आ गया। अब सम ऑफ द स्क्वेयर बिटवीन द सैंपल्स निकालने के लिए जो सिग्मा 1 निकाला था उसका होल स्क्वेयर करके n1 से डिवाइड करना है, सिग्मा x2 का स्क्वेयर करके उसको n1 से डिवाइड कर, फिर सिग्मा x3 का स्क्वेयर करके उसे n3 से क्या करना है डिवाइड करना है, माइनस के टी स्क्वेयर बाय क्या होगा n हो जाएगा। तो 60 का स्क्वेयर बाय 5 प्लस 50 का स्क्वेयर बाय 5 प्लस 70 का स्क्वेयर बाय 5 माइनस के 2160 आ जाएगा। दैट इज़ कितना आ गया 40 आ गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो k माइनस 1 होता है, k माइनस 1 का मतलब 3 माइनस 1 होता है, 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब MSC जब निकालते हैं तो उसके लिए SSC को V1 से डिवाइड करते हैं, तो 40 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 20 आएगा। सम ऑफ द स्क्वेयर विद इन द सैंपल करेंगे तो SST को SSC से माइनस कर देंगे तो 100 माइनस 40 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जब निकालते हैं तो 15 माइनस के 3 12 हो जाएगा, ठीक है। 15 वही नंबर ऑफ एलिमेंट, के वही नंबर ऑफ ग्रुप्स। MSE जब निकालते हैं तो SSC को V2 से डिवाइड करना होता है, SSC को V2 से डिवाइड करेंगे तो 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा। अब फिर दोबारा अनोवा टेबल बनेगी, अनोवा टेबल जब बनाएंगे तो एक तो बिटवीन द सैंपल लेंगे, एक विद इन द सैंपल लेंगे। सम ऑफ द स्क्वेयर बिटवीन द सैंपल कितना आया था 40 आया था, सम ऑफ द स्क्वेयर विद इन द सैंपल कितना आया 60। डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 थी, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी 12 थी, मीन सम ऑफ द स्क्वेयर निकाला था तो कितना आया था 20 और इसका कितना आया था 5। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो वेरियंस रेशियो आ जाएगी, वेरियंस रेशियो हमारी 4 बन जाएगी। अब हमें पता कैसे लगेगा कि ये एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। देखो अगर 5% लेवल पे अपन कंपैरिजन करते हैं उसके अंदर 3.89 से वैल्यू कम आ रही है तो एक्सेप्टेड होता है, 3.89 से वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो हमारा क्या होगा रिजेक्टेड होगा। तो दोनों ही हमारे वन वे से जो किया था और टू वे से जो किया था वो दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे रिजेक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का वेरियंस जो है वो 3.89 से क्या आ रहा है ज़्यादा आ रहा है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी वीडियो, अगर आपको समझ में नहीं आई है तो इसे एक बार और पढ़ के देखें, अगर दोबारा समझ में नहीं आती है तो मुझसे व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम लीजिए।